अग्रवाल जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अगर हम कहते हैं चेक बाउंस हो गया तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है और उसमें किस तरह की सजाएं हैं? ऐसा है, चेक बाउंस कब माना जाता है? अगर अकाउंट में चेक पेश किया गया और वो अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है, पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो वो बैंक जो है उसको भुगतान करने से मना कर देगा। उस स्थिति में ये कहा जाता है कि चेक बाउंस हो गया। और अगर वो चेक इस स्थिति में बाउंस होता है तो सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आप सजा का प्रावधान है और उसमें जो है मुकदमा आपके खिलाफ तैयार करके आपसे धनराशि भी उगाही जा सकती है और आपको सजा भी दी जा सकती है। अगर सजा की बात करें तो कितनी सजा इसमें हो सकती है? इसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है और इसके अलावा डबल ऑफ द अमाउंट जो चेक पे लिखी गई अमाउंट है, चेक की धनराशि की डबल धनराशि तक का आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों चीज़ें भी। जी, अगर मान लीजिए किसी ने हमें चेक दिया, हमने वो लगाया और वो बाउंस हो गया, तो नोटिस जो भेजा जाएगा वो किसे भेजा जाएगा और कितने दिन के अंदर अंदर भेजा जाना? नोटिस उसको भेजा जाएगा जिसने चेक लिखा है। जी, तो नोटिस उसको जो भेजा जाएगा वो आपको 1 महीने के अंदर चेक बाउंसिंग के आपको उसको नोटिस सब करना है। और अगर वो उसमें आपने नोटिस में पर्टिकुलरली लिखना है कि आपका ये चेक ऐसे से बाउंस हो गया है और आप कृपा करके 15 दिन के अंदर हमें पूरी पेमेंट करें, 15 दिन का समय देना लाजमी है। अगर ये 15 दिन का समय आप नोटिस में नहीं लिखते हैं उसको, तो वो ऐसा नोटिस इनवैलिड माना जाएगा। जी जी, तो आपको जरूर लिखना है कि 15 दिन के अंदर, और आपने अमाउंट भी बहुत स्पेसिफिकली लिखना है कि जो चेक की धनराशि है वो कितनी धनराशि है और वो कितनी धनराशि का आप उससे जो है डिमांड कर रहे हैं नोटिस में। ये दोनों चीजें बहुत क्लियर होनी उसमें जरूरी है नोटिस में। अनिल जी, आपने बताया कि जब भी अगर चेक बाउंस हो जाता है तो हम नोटिस भेजते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर भेजा जाए वो नोटिस। जब हम उस नोटिस को भेजते हैं तो और क्या चीज़ें साथ में अटैच होनी चाहिए या किन बातों का ध्यान रखें? उसके साथ में कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज चेक जो है उसकी नॉलेज में है। आप उसका चेक नंबर तो बताएंगे कि ये चेक आपका फला फला चेक है वो जो बाउंस हुआ है, और उसकी आप तारीख भी बताएंगे उसको कि आपने मुझे ये चेक इशू किया था, तो उसके पास वो सफिशिएंट डिटेल पहुंच गई है जिसके बेसिस पे उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जी जी जी, तो इसलिए इसके साथ में कुछ और अटैच करने की जरूरत नहीं है। जी, एक कॉलर करनाल से हमारे साथ जुड़ गए। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। विजय कुमार जी। जी विजय जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा केस चल रहा है चेक का ही, मतलब मेरे पास बाउंस हुआ है, मेरे चेक बाउंस हुआ है। जी, तो वो केस चल रहा है। अब मैं उसको मान लो उससे कहता हूँ समझौता करने, भी मैं आपको 1 लाख का चेक है, अभी 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, और अगला मानता नहीं है। वो कहता है जी मैं तो एक की जगह ये तो आपको सजा कराऊंगा, या मैं तो, या मुझे इतने 3 लाख रुपए दो या 4 लाख रुपए दो, तो क्या मैं 1 लाख रुपया दे सकता हूँ? मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर है कि मैं कहूँ जी जज को भी या कहीं कैसे भी, भाई 1 लाख रुपए मुझसे लो और आपको समझौता कर लो, क्या हो सकता है इसमें? मतलब मैं कैसे अपनी बात को अपने आपको डिफेंड कैसे कर सकता हूँ, मुझे सजा ना हो और मैं पैसे दे लूँ, क्या हो सकता है? विजय जी, हाँ जी हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी हाँ जी। ऐसा है, अगर आप 1 लाख रुपया आज देना चाह रहे हैं और जो जिसको आपने चेक इशू किया था, जिसको ये धनराशि ड्यू थी, वो अगर आप व्यक्ति उस धनराशि को लेने से मना करके आपको सजा दिलवाना चाहता है, उसका उद्देश्य आपको सजा दिलवाना है, तो वो बिल्कुल वाजिब तरीके से रिफ्यूज कर सकता है लेने के लिए। अच्छा, वो वाजिब तरीके से रिफ्यूज कर सकता है। आपका समझौता उससे होना बहुत जरूरी है मुकदमे को खारिज करने के लिए। अच्छा, अगर वो चाहे तो मुझे सजा करा सकता है, मतलब अगर, हाँ, अगर वो चाहे तो। कि वो ये कहता है कि मुझे 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो आपको सजा ही करानी है। हाँ जी, पर जो सजा की अमाउंट है, जो उसको फाइन होगा आपको, वो चाहे 1 लाख रुपया हो या 2 लाख तक जा सकता है वो अमाउंट, उसमें से कोर्ट जो है उसको 1 लाख रुपये तक की धनराशि कंपनसेशन के तौर पर दे सकती है। ठीक है जी, तो उसको तो अपना पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक। चलिए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, सिरसा से। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी हंसराज वाल्मीकि जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने किसी मित्र को लोन दवाया था जी, पेंशन लोन। अच्छा जी, हंसराज वाल्मीकि जी। हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैंने किसी मित्र को पेंशन लोन दवाया था जी, पेंशन लोन, तो उसकी ना मृत्यु हो गई जी। अच्छा, हाँ जी, फिर जी अपना सवाल पूछिए और टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, और उसके बारे में वो लोन मुझे भरना पड़ रहा है जी, ऐसा कुछ है जी? नहीं, देखिए ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं उससे रेलिवेंट नहीं है जी। हम आपसे दरखास्त करेंगे कि जब भी आप सवाल पूछें तो आप प्लीज ये ध्यान दें कि किस मुद्दे पर बात हो रही है, तभी आप वकील साहब का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं।
जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, वो मुद्दे से रिलेटेड नहीं है। जब भी हम इस विषय में बात करेंगे आप अपना कॉल दोबारा हमें लगा सकते हैं। चलिए वकील साहब, हम ये बात कर रहे थे कि नोटिस तो हमने भेज दी, मान लीजिए चेक बाउंस हुआ, हमने नोटिस भेजी। नोटिस भेजने के कितने दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए? नोटिस देने के 15 दिन के अंदर, नोटिस मिलने के, देने के का से नहीं आप कैलकुलेट करेंगे उसको। जी, जिस दिन उसको मिला है उस दिन से 15 दिन की मियाद जो है उसको मिली है, जिसके अंदर वो जो है आपको पेमेंट कर सकता है। मतलब अगर हमने नोटिस भेज दिया तो वो वैलिडिटी पीरियड नहीं, जिस दिन उसको नोटिस रिसीव हुआ उससे 15 दिन के अंदर उसे पेमेंट करनी है। अगर हम ये नोटिस भेज रहे हैं तो इसमें आपने कहा किन बातों का ध्यान रखना है, ये तो आपने बताया। एक बात का और जो इसमें ध्यान रखना है आपको कि क्योंकि ये जो है मियाद जो 15 दिन की है उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन से उसको नोटिस मिला। जी, तो मेरी सबसे गुजारिश यही है कि आप जो है इसको किसी और तरीके से नोटिस भेजने की बजाय रजिस्टर्ड पोस्ट से सर्व करें। जी, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट के केस में कानूनन ये प्रावधान है कि जिस दिन आपने वो रजिस्टर्ड लेटर भेज दिया उसके 7 दिन के अंदर वो उसको मिला हुआ मान लिया जाएगा। जी, तो बाय लीगल फिक्शन इट इज अज्यूम्ड दैट कि वो उसको मिल गया है। तो 7 दिन आप अपनी रजिस्ट्री की डेट से 7 दिन तक का समय छोड़ के 15 दिन कैलकुलेट कर ले तो आप मुकदमा उसके बाद कोर्ट में लगा सकते हैं। जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए गुड़गांव से। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। महेश जी। महेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, मैंने प्लॉट लिया था बल्लभगढ़ में और प्रॉपर्टी डीलर के पास पूरे पेपर नहीं थे। ठीक जी। महेश जी, जी बोलिए, सवाल पूछिए अपना। महेश जी, मेरा सवाल है जी, मैं बल्लभगढ़ में प्लॉट लिया था और उसके पूरे कागज नहीं थे, तो मैंने वो लिया नहीं और उसके पास मेरे 2.5 लाख रुपए फंसे हुए हैं और 2.5 लाख का उसने किसी दूसरे से चेक दिलवाया है। जी, किसी दूसरे का मतलब किसी और से दिलवा दिया आपको चेक? हेलो, किसी और से चेक दिलवा दिया है आपको? हाँ, किसी और से चेक दिलवा दिया और वो चेक मतलब अभी उसकी डेट भी लेट है और वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ? देखिए, आप जो वो मुझे आपकी बातों से लगता है कि वो एक पोस्ट डेटेड चेक है। हाँ जी। हाँ, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो चेक की डेट नहीं आएगी, जो चेक पे डेट लिखी हुई है तब तक आप उस चेक को भुना नहीं सकते। नहीं, वो तो मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन मतलब उसके लिए अगर वो किसी और ने किसी की लायबिलिटी के लिए चेक दे दिया है तो भी उस पर मुकदमा बनता है। पहले चेक बाउंस तो होने दीजिए, पहले चेक पेश करिए। यानी आप इनसे ये कह रहे हैं कि ये पहले चेक लगाएं, अगर चेक बाउंस होता है तो ये मुकदमा उसी के खिलाफ दायर कर सकते हैं जिन्होंने इन्हें चेक दिया। जी, चलो एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए कैथल से। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी अपना नाम बताइए एक बार फिर से। एमएल गुप्ता। जी जी गुप्ता जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। गुप्ता जी, आप तक संपर्क आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है संपर्क टूट गया। एक रोहतक से और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, चोपड़ा जी। चोपड़ा जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा ये है जी, मैंने 2 लाख रुपए चेक दिया था किसी को जी, और अब कोर्ट में केस चल रहा है, तो पहले तो एक दो डेट्स पर तो वो आए, इसके बाद आना सब बंद कर गए। आपका चेक आपने इशू किया था या आपको मिला था? मैंने किया था जी। नहीं नहीं, चेक आपने इशू किया था या आपको मिला था? नहीं नहीं, मेरे को मिला था। आपको मिला था और उसके वो चेक बाउंस हो गया, उसके बाद आपने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस डाल दिया, वो महीने वाली सब सारी चीजें थे, 2-3 तारीखों पर वो आया, आना छोड़ गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया है अपोजिट पार्टी ने। हाँ जी। तो उस केस में तो आप जो है समन की तामील के लिए दूसरे साधन है CRPC में, आप उसको पब्लिकेशन भी करवा सकते हैं, अखबार में भी करवा सकते हैं उसके समन के लिए। जवाब भी दे के गए हैं कोर्ट में, जवाब दे दिया है उन्होंने। हाँ जी। तो जवाब दे दिया है तो उसके बाद तो मुकदमा आप संबंध तो इसका मतलब सर्व हो गया है। हाँ। तो संबंध सर्व होने के बाद अब आप जो है इसमें डे टू डे हियरिंग के लिए कोर्ट से दरखास्त लगा सकते हैं, बिकॉज कानून में ये प्रावधान है कि इस तरह के मुकदमों की हर दिन डेली हियरिंग होगी। चल रही है जी वो, लेकिन अब वो एड्रेस भी नहीं है उसका, मकान बदल लिया और कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। देखिए, वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका मकान का नंबर आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसको सजा मिलनी है। नहीं, अब एक्स पार्टी नहीं हो सकता जी। एक्स पार्टी देखो, इसमें तामील तो आपको करवानी पड़ेगी। नहीं, वो कोई तामील होली और वो तामील होने के बाद एक्स पार्टी जो है इसमें कोई प्रावधान नहीं है ऐसा, ये सिविल मुकदमा नहीं है कि जिसकी आप बाद में एग्जीक्यूशन करा सकें ऑर्डर की। सजा तो उसको कोर्ट में जब पेश होगा तभी मिलेगी, तो उसके लिए उसके जो है आप IPC में बहुत
अच्छे प्रावधान हैं जिसमें आप उसके एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करा जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, उस तरह के प्रावधानों के अंतर्गत उसको परेशान करके कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।